सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। अपने इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। आज 19 जुलाई है और 19 जुलाई के उसको द हिंदू एडिटोरियल से सभी वर्ड्स मीनिंग हम चूज कर लिए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे वर्ड्स आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं दिखने को जरूर मिलेंगे। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल है। आज के एडिटोरियल का टॉपिक है लिविंग द पास्ट बिहाइंड ऑन अफगानिस्तान। अभी हाल ही में अफगानिस्तान में जो युद्ध चल रहा है, बैटल चल रहा है तालिबानी और अफगानिस्तान के बीच में, ये सब तो उसी को लेके ये एडिटोरियल है। इसी से सभी वर्ड्स मीनिंग हम चूज किए हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स फ्रेजेस भी होंगे जो आजकल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो जैसे इस एडिटोरियल से कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस भी चूज किए गए हैं। तो चलते हैं अपने वर्ड्स की तरफ, वर्ड लिस्ट की तरफ। सो आज का फर्स्ट वर्ड है, एक फ्रेज है, ये जो एडिटोरियल का टॉपिक ही है, लिविंग द पास्ट बिहाइंड। इट मींस कि फॉरगेट अबाउट द पास्ट और मेक ए चेंज फ्रॉम द पास्ट, यानी कि जो पास्ट में हो चुका है उसको भूल के और कुछ पास्ट में चेंज करने की प्रक्रिया लिविंग द पास्ट बिहाइंड कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फ्रेंस। इट मींस कि सम्मेलन, या सम्मेलन जैसे किसी भी पार्टी का, ऑर्गेनाइजेशन का एक मीटिंग होता है, सम्मेलन कहते हैं उसे, उसे ही कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, जिसके साइनोनिम्स आप देख सकते हैं, मीटिंग, सेमिनार, कन्वेंशन, ये सब इसके साइनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सेलियंस। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह SSC का पूछा हुआ वर्ड है। इट मीन्स कि द क्वालिटी ऑफ बीइंग पार्टिकुलरली नोटिसिएबल और इम्पोर्टेंस, यानी कि इम्पोर्टेंट, जो काफ़ी मतलब नोटवर्दी हो, इम्पोर्टेंट हो, महत्वपूर्ण हो, किसी भी पार्टिकुलरली रूप से किसी चीज़ की क्वालिटी पार्टिकुलरली मतलब एक तौर पे तो नोटिस करने की प्रक्रिया, या फिर उसे ही सैलियंस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है या फ्रेज है कट ऑफ। इट मीन्स कि अलग करना, एक दूसरे से सेपरेट कर देना, कोई चीज़ कंबाइंड हो, मर्ज हो, तो उसे अलग कर देना, काट के या फिर हटा के कैसे भी, तो उसे कहते हैं कट ऑफ, जिसके साइनोनिम्स हैं आइसोलेट, डिसकंटिन्यू, सेपरेट। ये सेपरेट और डिस आइसोलेट, ये दोनों वर्ड्स पूछे हुए हैं किस एग्जाम्स में, SSC में। नेक्स्ट वर्ड है सिग्निफिकेंट। इट मीन्स कि महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंस के सेंस में सिग्निफिकेंट का यूज़ किया जाता है, जिसके साइनोनिम्स नोटेबल, रिमार्केबल, इम्पोर्टेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है इंश्योरिंग, यानी कि सुनिश्चित करना, किसी कार्य को सुनिश्चित करना कि हाँ ये कार्य समय पे होगा, या फिर किसी एक खास वर्क के लिए इसे सुनिश्चित कर देना, इंश्योरिंग कहलाता है। इंश्योरिंग कहते हैं सुनिश्चित कर देना, जिसके साइनोनिम्स देखते हैं मेक सर्टेन, मेक श्योर, ये सब इसके साइनोनिम्स है, सिमिलर वर्ड है। नेक्स्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है अर्नेस्ट। यह कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, SSC, CGL, CHSL में। इसका मीनिंग होता है गंभीर, यानी कि सीरियस कंडीशन, जिसके साइनोनिम्स देखते हैं सीरियस, सोलेमन, ग्रेव, ये अर्नेस्ट के साइनोनिम्स हैं। अर्नेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है काफ़ी इजी वर्ड वरीज। वरी का प्लूरल फॉर्म होता है वरीज, यानी कि चिंता करना, चिंतित होना, जिसके साइनोनिम्स ट्रबल, बोदर, डिस्ट्रेस, डिस्टर्ब, ये वरीज के साइनोनिम्स हैं, तो इसे ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है रिफ्यूजी। यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में पूछा गया वर्ड है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। रिफ्यूजी इट मीन्स ए पर्सन हु हैज बीन फोर्स्ड टू लीव देयर कंट्री इन ऑर्डर टू एस्केप। जब कहीं युद्ध की स्थिति हो जाती है तो उसे अपने देश को छोड़ना पड़ता है, किसी की जब फोर्स किया जाए, या फिर विकट परिस्थिति के कारण भी उसे अपना कंट्री छोड़ना पड़ जाए, उसे रिफ्यूजी कहते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया था कि ए पर्सन हु हैज बीन फोर्स्ड टू लीव देयर कंट्री इन ऑर्डर टू एस्केप वार इज कॉल्ड, तो उसे रिफ्यूजी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इनफ्लक्स, यानी कि बड़ी संख्या में लोगों या वस्तुओं का एकाएक कहीं से अचानक से आ जाना, अचानक से, जैसे कि इमिग्रेंट भी, इमिग्रेंट के भी सेंस में जब होता है, या फिर कहीं देश में वार की स्थिति हो जाती है तो वहाँ से लोग दूसरे देश की तरफ पलायन करते हैं, तो एक बड़ी संख्या में एकाएक समूह
के लोग एक जगह पहुंच जाते हैं उसे इन्फ्लक्स कहते हैं, जिसके सैनोनिम्स इनुंडेशन, रास, स्ट्रीम, ये सब इसके सैनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है इमर्जेंस, यानी कि प्रकटन, एकाएक किसी के सामने प्रकट हो जाना, बहुत समय से कहीं थे लेकिन अचानक से सामने आ जाना, उभर के प्रकट हो जाना, इमर्जेंस कहलाता है, जिसके सैनोनिम्स डिस्क्लोजर, अपीयरेंस, एक्सपोजर, ये सब इसके सैनोनिम्स हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट है बैकर्स, यह भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा हुआ वर्ड से, इट मीन्स कि ए पर्सन, इंस्टीट्यूशन और ए कंट्री दैट सपोर्ट समवन फाइनेंशियली, किसी भी व्यक्ति को जब कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक पर्सन या फिर एक देश फाइनेंशियली तौर पे सपोर्ट करता है, उसे आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सपोर्ट करता है, तो उसे बैकर्स कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कन्फ्लिक्ट, यानी कि झगड़ा, लड़ाई, ये संघर्ष एक दूसरे देश में, एक दूसरे लोग में, एक के प्रति मन में घृणा हो और उससे लड़ाई हो, झगड़ा हो, संघर्ष हो रहा हो, उसे कन्फ्लिक्ट कहते हैं। डिस्प्यूट, क्वारल, स्क्वेबल, या फिर इसका एक साइनोनिम्स बैटल भी हो सकता है। तो यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स वन पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट है टेक ऑन, यह फ्रेज है, इट मीन्स कि काम में लगना, इंगेज कर देना कोई, या फिर किसी को बिजी रखना, बिजी रखने के सेंस में भी इसका यूज किया जाता है, जिसके साइनोनिम्स इंगेज, हायर, इनरोल, इनलिस्ट, ये सब इसके साइनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है पार्टिकुलरली, इट मीन्स विशेष रूप से, विशेष रूप से, खास तौर पे, इसका एक अर्थ होता है खास तौर पे भी। तो इसके साइनोनिम्स देखते हैं, स्पेशली, सिंगुलरली, ये सब इसके पार्टिकुलरली के साइनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑलवेट, यह इम्पोर्टेंट वर्ड है बिकॉज इसका मतलब होता है यद्यपि, हालांकि, यदि हम कहीं सेंटेंस में, आपने देखा होगा दो का यूज, दो या फिर ऑल दो या फिर इन स्पाइट ऑफ, ये जो नीचे सिमिलर वर्ड्स में दिए गए हैं साइनो, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, इसी का सेम वर्ड है अल्बेट, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है यद्यपि, हालांकि, यदि तो, ये सब। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है या एक नेक्स्ट वर्ड या एक फ्रेज है क्रॉस ओवर, इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ अचीविंग सक्सेस इन ए डिफरेंट फील्ड और स्टाइल, द प्रोसेस ऑफ अचीविंग सक्सेस, मतलब कि सफलता हासिल करने के विभिन्न प्रकार के स्तर हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के तौर तरीके होते हैं, उसी को क्रॉस ओवर फ्रेज से डिनोट करते हैं। जब इसका एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है तो इसका अर्थ अलग हो जाता है। नेक्स्ट है नेगोशिएशन, यानी कि वार्ता करना, वहीं सम्मेलन करना, किसी से किसी विवाद पे विचार विमर्श करना, उसे समझौते को निपटारा करने के लिए विचार विमर्श किया जाता है, उसे नेगोशिएशन कहते हैं, यानी कि टॉक्स, मेडिएशन, हैगलिंग, ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है ब्रूटल, यानी कि अति क्रूर, जो बहुत निर्दयी हो, इसका एक वर्ड मीनिंग होता है, जो काफ़ी निर्दयी हो एक के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, उसे ब्रूटल से भी डिनोट करते हैं, जिसके साइनोनिम्स सैवेज, क्रूअल, विशियस, ये एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है रिजल्टेंट, इट मीन्स कि जब कोई भी स्टोरी आप पढ़ते हैं, कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, तो उसके अंत में पूरे स्टोरी का निचोड़ दिया जाता है, तो जब निचोड़ देने से पहले परिणामतः या परिणाम स्वरूप एक वर्ड का यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है, जिसका इंग्लिश में रिजल्टेंट से डिनोट करते हैं, इट मीन्स ऑक्यूरिंग एज ए रिजल्ट ऑफ समथिंग, किसी का अंतिम परिणाम दर्शाने के लिए रिजल्टेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्सट्रीमिज्म, यानी कि उग्रवाद, वही क्रुअलिटी, सैवेज, जिसमें हो एक दूसरे के प्रति, मतलब लड़ने की भावना हो, उसे एक्सट्रीमिज्म कहते हैं, जिसके साइनोनिम्स फैनेटिसिज्म, जील, यानी उत्साही, ज़्यादा उत्साही होते हैं, डॉगमेटिज्म, ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है क्रोम्बल, क्रोम्बल इट मीन्स कि एक टुकड़े टुकड़े कर देना,
किसी भी चीज़ के, किसी वस्तु के या फिर किसी व्यक्ति को ही मार के टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है, उसे भी क्रोम्बल से यूज़ करते हैं। और ये जो लेख था, आर्टिकल था, जिससे वर्ड्स चूज किए गए हैं, ये अफगानिस्तान में अभी हाल ही में चल रहे एक घमासान एक वार के ऊपर लिखित है। तो इसमें सारे वर्ड्स जो हैं वो उसी से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है जिसके साइनोनिम्स देखते हैं क्रोम्बल के, डिसइंटीग्रेट, फॉल डाउन, ये सब इसके सिमिलर वर्ड हैं। नेक्स्ट है कॉन्सेंसस, यानी कि आम सहमति, विचार विमर्श द्वारा दो व्यक्तियों या फिर दो से अधिक व्यक्तियों, ऑर्गेनाइजेशनों, कंट्रियों, देशों के बीच में जो सहमति बना के बनाया जाता है उसे कॉन्सेंसस कहते हैं। यानी कि साइनोनिम कॉन्कॉर्ड, एग्रीमेंट, हारमोनी, ये भी एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है। नेक्स्ट है परस्यू, या इट मीन्स कि पीछा करना, किसी एक का किसी दूसरे का पीछा करना, जिसके साइनोनिम्स फॉलो, चेज, गो आफ्टर, रन आफ्टर, ये फ्रेजल वर्ब है, गो आफ्टर, रन आफ्टर, और ये इसके सिमिलर वर्ड्स हैं चारों। परस्यू मतलब कि पीछा करना एक किसी का, फॉलो, चेज, गो आफ्टर, रन आफ्टर, ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और ये था आज का लास्ट वर्ड, और ये वर्ड्स खत्म हो चुके हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर डेली द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी अपलोड किए जाते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, एसटीएनओ, एमटीएस, या फिर किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, या फिर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इंग्लिश सेक्शंस में आपके मार्क्स इंक्रीज करने के एक बेहतर तरीका होता है वोकैबुलरी को बिल्डअप करना, वोकैबुलरी को मजबूत बनाना। तो इससे आप वोकैबुलरी मजबूत कर सकते हैं डेली की प्रैक्टिस से। तो इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स वन पे जाके इसका टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि हमारे आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इंग्लिश वेब एकेडमी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।